बिल पास किया है जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इस बिल का इस्तेमाल अपराधियों की पहचान करने और उनका डेटा इकट्ठा करने की इजाजत देता है। ये बिल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 की जगह ले लेगा। अभी जो एक्ट है उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट रिकॉर्ड करने की इजाजत है, जबकि इस बिल में फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, हथेलियों के प्रिंट, फोटो, आंखों का आयरिस और रेटिना, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल यानी कि ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल और स्वाब सैंपल तक का रिकॉर्ड रखा जाएगा। किसी केस में दोषी साबित हुए अपराधी का सैंपल तो लिया ही जाएगा, किसी क्रिमिनल केस में गिरफ्तार आरोपी जिन पर सिर्फ आरोप लगा है उनको भी अपना रिकॉर्ड देना होगा। अभी के कानून प्रिजनर्स एक्ट 1920 में जिन लोगों का अपराध सिद्ध हो चुका है और एक साल या उससे ज्यादा की सजा होती है उनके ही सैंपल लिए जाते थे, लेकिन अब किसी का भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मजिस्ट्रेट के कहने पर लिया जा सकता है। अगर किसी ने सैंपल देने से मना किया तो उसका केस होगा और उसका सैंपल जबरदस्ती ले लिया जाएगा। ये सारा डेटा एनसीआरबी के पास रहेगा, एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। इस बिल के सपोर्ट में कहा जा रहा है कि इससे केस को जल्दी सुलझाने में आसानी होगी, अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। इसके विरोध में कहा जा रहा है कि बिल संविधान के खिलाफ है और संविधान में लिखे मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। संविधान के आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में प्रोटेक्शन मिला है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, मतलब आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने या सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उस पर अपराध सिद्ध न हो जाए, और जिसने आरोप लगाया है यानी कि प्रोसिक्यूटर का काम होता है अपराध सिद्ध करना, लेकिन इस बिल में सिर्फ आरोप लगने पर गिरफ्तारी के बाद आपको सैंपल देना होगा। इसी तरह इस बिल के प्रावधान आर्टिकल 21 के तहत मिले प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकारों को भी वायलेट करते हैं। देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है और किसी भी नागरिक की पर्सनल लिबर्टी में प्रशासन या सरकार तभी हस्तक्षेप करेगी जब वो किसी गैर कानूनी काम में दोषी पाया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के प्रावधान इस फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करते हैं। ये कितना खतरनाक है अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो चलिए समझते हैं बायोमेट्रिक सैंपल सरकार के हाथ में होने के खतरों। आपको डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पता होगा, मतलब कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं उसको आसानी से ट्रेस करके आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां निकाली जा सकती हैं। मसलन आप कहाँ काम करते हैं, कितनी उम्र है, कहाँ पढ़ाई की है, किससे बात करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप फोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं और आप अपने फोन पर क्या क्या देखते हैं, आपके दोस्त कौन कौन हैं, सोशल मीडिया पर आप मोदी जी के वीडियो शेयर करते हैं या राहुल गांधी की, ये सब पता लगाया जा सकता है। कौन सी पोस्ट पर आप गुस्सा आए, कौन सी पोस्ट पर आपने दिल बनाया, आपके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, सारा कुछ ट्रेस किया जा सकता है और किया जाता है। तभी तो आप एक बार कुछ सर्च करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट के एड, वैसे ही वीडियोस के सजेशंस आपको बार बार दिखने लग जाते हैं, तो मतलब पसंद नापसंद आपकी पता चल जाती है। अब अगर सरकार को यह जानकारी है कि फलाना हमारी पार्टी के विरोध वाली पोस्ट्स शेयर करता है, इसे टारगेट करना है, तो आपको किसी मामूली से अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, डेटा लिया जा सकता है और फिर आपके ऊपर आसानी से नजर रखी जा सकती है सीसीटीवी कैमरे के जरिए। जहां भी आप जाएंगे, जिससे भी आप मिलेंगे, सब दिखता रहेगा। मास्क लगाने से भी नहीं बचेंगे क्योंकि रेटिना स्कैन भी आपका हो चुका है। और मान लीजिए बीजेपी के नेता चाहेंगे तो भी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, आम इंसान, सभी लोग टारगेट पे रहेंगे, बिग बॉस को देखते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि नागरिक जब तक दोषी ना हो उसके सैंपल न लिए जाएं। लोगों को प्राइवेसी का अधिकार मिले ताकि सरकार जनता को कंट्रोल न कर सके। दोस्तों, अगर आप इस फेसबुक पेज पर पहली बार आए तो आपका स्वागत है। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।